बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाई ओखिन, लाख तली लाल ये दिया मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलू बार तू, पल ना निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, प्राण पिया प्राण पति प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री कलश हिंदुस्तानी में क्या कहते हैं धनी जी, बहुत सुंदर टीका श्री राजन स्वामी जी के द्वारा, मांगा किया राधा बाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल सन्मंधे एके अंगे विलसत वल्लभ साथ। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 31। यद्यपि श्री राधा जी की मंगनी सगाई श्री कृष्ण जी के साथ हो गई थी, किंतु उनका विवाह नहीं हुआ, परम धाम के मूल संबंध से श्यामा जी और अक्षरातीत श्री प्राणनाथ यानी श्री राज जी एक ही अंग अंगी यानी स्वरूप है, उसी संबंध से वे अपने प्राणेश्वर के साथ आनंदमयी लीला करती हैं, मूल संबंधे एके अंगे विलसत वल्लभ साथ। तो यहाँ पर उनका विवाह हुआ या नहीं हुआ, पर वो एक ही अंग अंगी है, और उनका विवाह क्यों नहीं हुआ ये भी हम कर रहे हैं कि कौन सी शक्तियां उनमें बदल गई थी। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर एक चौपाई पढ़ रही थी कल हम लोगों ने क्या समझा सुंदर साथ जी, ब्रज में हमने प्रेम की लीला देखी, प्रेम की लीला अक्षरातीत के साथ, उसका आनंद नहीं, प्रेम की लीला को देखा, उनके साथ किया उसको, पर प्रेम का विलास यानी प्रेम का आनंद जो है वो हमने महारास में लिया, वो भी परम धाम से कंपेयर करें तो अल्प मात्रा में, प्रेम का विलास योग माया में, यहाँ विलास प्रेम का है ही नहीं। सुंदर साथ जी, काल माया में प्रेम का विलास इश्क का विलास है ही नहीं, ले ही नहीं सकते। तो आज एक चौपाई पढ़ रही थी, उसमें बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है स्वामी जी ने कि यहाँ पर इश्क का विलास तो नहीं है, पर कौन सा विलास है जो हम ले सकते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर उस दिन चांद कमल आंटी ने बहुत सुंदर कहा, और जब स्वामी जी से बात हुई थी, आप पुरानी वीडियोस देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ कहा गया है कि ये हम बाद में करेंगे, तो वो आप वो बातें नोट करते जाइएगा कि बाद में करेंगे वो कहीं करने से रह तो नहीं गई है, तो अगर वो रह गई है तो वो अब की जाएंगी, कई बार अंदर से पता नहीं लगता निकल जाती है वो बात, तो आप जरूर बताइएगा। तो सुंदर साथ जी, आप उन्हीं वीडियोस में ये भी देखेंगे कि स्वामी जी से जब बात हुई थी ऐसे लगा था कि ये जो नया पता लगा है ना, चाहे ज्ञान दृष्टि हो इल्म ही हो, पर ऐसे लगता है कि माया उड़ गई जैसे, और
अंग अंग पुलकित होने लगता है कि ये क्या पता लग गई मेरे धनी की बात, तो ये क्या है सुंदर साहब जी। और उस दिन चांद कमल आंटी ने कहा, इश्क में इल्म में इतना आनंद है, ज्ञान में इतना आनंद है, ये कभी पहले पता नहीं था। तो वो उस चौपाई में लिखा हुआ था सुंदर साहब जी, आज इश्क का विलास यहाँ पर नहीं है, इल्म का विलास यहाँ पर है। तो ये इल्म का ही विलास है, ज्ञान में कितना आनंद है मेरे धनी के ज्ञान में, जो हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, कि उस ज्ञान दृष्टि से जब वो पता लगती हैं बातें, तो कैसे पुलकित हो जाती है रूह सुंदर साहब जी। तो ज्ञान को छोटा ना समझिएगा, श्री मुखवाणी की दो चौपाइयां कम से कम हर सुंदर साथ ने पढ़नी शुरू की है ना। कोई सुंदर साथ ऐसा तो नहीं जो दो चौपाइयां रोज की ना पढ़ रहा हो। सुंदर साहब जी, जो विलास यहाँ आया है, कम से कम वो विलास तो हम ले लें। इल्म का विलास लेंगे तो इश्क अंदर कैसे धनी देना शुरू कर देंगे। विलास तो पर आत्म ही करेगी परम धाम में, पर इश्क यहाँ पर मिलेगा, और हम कैसे पार करके मूल मिलावे के दर्शन करेंगे ये धनी जानते हैं। पर जो विलास, जो आनंद धनी ने दिया है, उसको नहीं छोड़ना। आज अपने दिल से पूछिएगा कि क्या कम से कम मिनिमम 2 चौपाइज एवरी डे क्या मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं उस इल्म का विलास लेना मैंने शुरू किया है या नहीं किया है। तो सुंदर साहब जी, आइए अब आगे चलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशंस चलती जा रही हैं, जो मुझे बेस्ट पिक लगता है मैं सब में शेयर कर देती हूँ, ताकि सारी टीम्स को उसका आनंद मिले। थोड़े और आ चुके हैं, आज शेयर किए जाएंगे। पद्मा जी को रहनी टीम में डाल दिया गया है। और सुंदर साहब जी, अब हम चलते हैं। मैंने नोटिस किया, एक तो प्रश्न आया था सुंदर साहब जी, ईश्वरी सृष्टि क्या पुराने वीडियोस में ही है, मैंने अभी देखने शुरू नहीं किए, पर वो कल फिर से एक सुंदर साहब जी ने पूछा मैसेज करके, ईश्वरी सृष्टि आखिर है कौन, मतलब कुमारिका, एक्चुअली कुमारिका किसको कहते हैं, कुमारिका सखियां ईश्वरी सृष्टि के जीवों को कहते हैं, उनकी सुरताओं को कहते हैं, या जो ब्रज में उन्होंने क्या ऐसा धारण किया, किसको ये कहते हैं। मैं आपको एक चौपाई, इसकी बहुत सारी चौपाइयां मिली श्री मुखवाणी में, तो एक मुख्य चौपाई मैं आपको जरूर खोल कर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, रास, श्री रास प्रकरण 5 चौपाई 28, ये प्रकरण 5 की 28 नंबर की चौपाई है। इनको मैं बड़ा करती हूँ ताकि सभी सुंदर साथ जी इनको अच्छे से देख भी पाए फोन में और इनका आनंद ले पाए। जे सखी हुती कुमारिका, कुमार का, जे सखी हुती कुमार का, हां जी कलर चेंज, व्हाइट विल नॉट बी विजिबल। घर नहीं तेहना अंग, जे सखी हुती कुमार का, घर नहीं तेहना अंग, स्नेह बल दया लीधी धनी तनी, ते मलीने भली साथ ने रंग। व्रज में जो कुमारिका सखियां थी, कुमारिका सखियां, इनके बारे में और भी बताएंगे सुंदर साहब जी, व्रज में जो कुमारिका सखियां थी, परम धाम में उनके तन नहीं है। और आपको पता होगा सुंदर साहब जी, योग माया में भी उनके नूरी तन नहीं है, परम धाम में भी नहीं है, किंतु उनके सच्चे प्रेम के कारण, ये देखिए, घर नहीं तेहना अंग, यानी परम धाम में उनके तन नहीं है, किंतु उनके सच्चे प्रेम के कारण धाम धनी ने उनके ऊपर अपार कृपा की, स्नेह बल दया लीधी धनी तनी, सच्चे प्रेम के कारण धाम धनी ने उनके ऊपर अपार कृपा की, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपना तन छोड़कर रास लीला के लिए ब्रह्म सृष्टियों के साथ मिल गई, ते मलीने भली साथ ने रंग। जिसके परिणाम स्वरूप वे अपना तन छोड़कर रास लीला के लिए ब्रह्म सृष्टियों के साथ मिल गई। अब रास लीला में इनको कुमारिका सखिया बोला गया है सुंदर साहब जी, इनके तन नहीं है परम धाम में, योग माया में भी नहीं है। तो इस चौपाई से आपको क्या लगता है सुंदर साहब जी, कुमारिका सखियां जो हैं वो ईश्वरी सृष्टि को ही कहा गया है, यानी कि ईश्वरी सृष्टि किसको कहते हैं। ऐसी और बहुत सारी चौपाइयां हैं, यदि अभी भी संशय हो तो बहुत सारी लाइन से चौपाइयां आप पढ़ सकते हैं, यानी कि
ईश्वरी सृष्टि जो सुरता रूप में है उसी को ही कुमार का सखिया कहा गया है, क्योंकि वही अपना तन छोड़कर, सुरता ही तन छोड़कर रास में पहुंची थी, है ना। अगर जीव इसको कहा गया होता, कुमारिका सखियों को जीव कहा गया होता, तो वो तो रास में पहुंचे ही नहीं थे। वो कहां पहुंचे थे सुंदर साजी? वो तो ब्रज में अखंड हुए। यदि ईश्वरी सृष्टि ने जो जीव धारण किए थे ब्रज में, ये बहुत पहले आया था प्रश्न, तब तक इतना क्लियर नहीं था सुंदर साजी, तो ईश्वरी सृष्टि जो सुरता रूप में है उसी का ही नाम कुमारिका सखिया कहा गया है, जो कि रास खेलने के लिए सुरता, जो सुरता गई थी ना रास खेलने, वही कुमारिका सखियां जीवों को, जो ईश्वरी सृष्टि के ने जीव धारण किए थे ब्रज में, उनको कुमारिका नहीं कहा गया, क्योंकि जीव तो गए ही नहीं थे रास खेलने के लिए, वो तो ब्रज में अखंड हो गए हैं। जीव कौन से गए थे रास खेलने? ब्रह्म सृष्टि के, और वो रास में ही अखंड भी किए गए हैं सुंदर साहब जी। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। एक और प्रश्न सुंदर साहब जी। हाँ जी, तो इसमें एक प्रश्न आया था कि गोकुल कहते थे पहले, उसको ब्रज कहते थे, अब उसको गोकुल कहना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं सुंदर साहब जी, श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये है श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 18 और चौपाई नंबर 14। प्रकरण नंबर ये है सुंदर साहब जी 18, ये देखिए। ये ऐसा था छल अंधेर प्रकरण अवतारों का, ये देखिए प्रकरण अवतारों का, ये ऐसा था छल अंधेर। तो इनको मैं बड़ा करती हूँ, प्रकरण 18 चौपाई नंबर 14 नोट करेंगे। ये देखिए, उसको ब्रज नहीं सुंदर साहब जी, उसको गोकुल ही कहते थे पहले भी। वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहिए अवतार। जब कृष्ण जी के तन ने जन्म लिया है, कृष्ण जी जिनका नाम बाद में धराया गया है, जब उनके तन ने कारागार में जन्म लिया है और वसुदेव जी उनको वहां से गोकुल लेके जाते हैं, तो लिखा हुआ है वसुदेव ब्रिज ले चले नहीं, वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहिए अवतार। सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। वसुदेव जी जिस बालक को लेकर गोकुल गए उसे अवतार नहीं कहना चाहिए। इस बालक में बैकुंठ बिहारी की शक्ति नहीं थी, अपितु निराकार के पार बेहद धाम की अखंड शक्ति विद्यमान थी। इसको हमने और डिटेल में अभी करना है, अभी हमने केवल गोकुल के लिए इनका रेफरेंस लिया है कि ब्रज मंडल का पार्ट ही गोकुल है। उनको पहले भी गोकुल ही कहा जाता था, और अब 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा में भी उनको गोकुल ही कहा जाता है। आई होप सुंदर साथ जी को ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब एक और चौपाई पे चलते हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर वाली ही चौपाई है सुंदर साहब जी। वचन कहे वसुदेव को, वचन कहे वसुदेव को फिरे बैकुंठ अपनी ठौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विष्णु जी का जो प्रसंग आने वाला है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे प्रगटे दोए भुजा सो स्वरूप सनंद और। वचन कहे वसुदेव को फिरे बैकुंठ अपनी ठौर, पीछे प्रगटे दोए भुजा सो स्वरूप सनंद और। सुंदर साहब जी, विष्णु भगवान ने वसुदेव और देवकी को, वसुदेव और देवकी को उनके पूर्व जन्मों की याद दिलाकर स्पष्ट किया कि अब जिस बालक का जन्म होना है उसे नंद जी के घर किस प्रकार पहुंचाना है। विष्णु भगवान जी ने उनको दर्शन कर देकर उनको स्पष्ट किया, पूर्व जन्मों की याद दिलाकर, किस बालक का जन्म होना है और नंद जी के घर किस प्रकार पहुंचाना है, किस प्रकार ताले खुल जाएंगे आप चले जाइएगा। हाँ जी, इसके बाद वे अपने निवास स्थान वैकुंठ चले गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिरे बैकुंठ अपनी ठौर, अपने बैकुंठ वो वापस चले गए। अगर वो वापस चले गए तो वसुदेव और देवकी जी के गर्भ में कौन था? फिरे बैकुंठ अपनी ठौर। तत्पश्चात जो दो भुजा वाला बालक प्रकट होता है,
पीछे प्रगटे दोए भुजा, सो स्वरूप सनंद और, वो विष्णु भगवान नहीं, वो स्वरूप सनंद कोई और ही था। वो कौन है सुंदर साज जी? उसमें अखंड धाम की शक्ति विद्यमान थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हां जी, तो सुंदर साज जी यहां से हमने अब विष्णु जी का भी शुरू करना है। तो अभी एक थोड़ा सा हिंट दिया, फिरे बैकुंठ अपनी ठौर, उनको दर्शन देकर वो कहाँ चले गए? अपने निवास स्थान वैकुंठ चले गए। इसके पश्चात पीछे प्रगटे दोए भुजा, दो भुजा का स्वरूप जन्म लेता है, बालक जन्म लेता है, सो स्वरूप सनंद और, कोई और ही है वो स्वरूप, उनमें अखंड धाम की शक्ति विद्यमान थी। इससे आपको हिंट थोड़ा मिल गया होगा। अभी हमने थोड़ी और एक दो चौपाइयां करनी है सुंदर साज जी। अब एक प्रश्न और आया था सुंदर साज जी, एक प्रश्न और आया था। यहां पर चतुर्भुज के रूप में तो वो ले भी नहीं सकते थे, एक और इसमें किया हुआ है खुलासा, वो हम करेंगे विष्णु जी का, डोंट वरी। अब एक प्रश्न था, ज्योति दीदी ने शायद किया था, ज्योति जी ने, अक्षर ब्रह्म कुमारी में रहे। अभी एक चौपाई उन्होंने बताई, अभी मैंने वो पढ़ी नहीं है, मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे। उन्होंने कहा जब ये ब्रह्मांड खत्म होगा तो अक्षर ब्रह्म 50,000 साल इसकी कुमारी में रहेंगे, यानी कोई खेल का निर्माण नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी की कुमारी में रहेंगे, वो इसी के आनंद में रहेंगे, है ना। तो अब जब ब्रज में ऐसा हुआ था, जब ब्रज में ऐसा हुआ कि प्रलय हो गया और रास उन्होंने खेली, तो रास की कुमारी में वो क्यों नहीं रहे? उन्होंने नया ब्रह्मांड क्यों बना दिया? 50,000 साल अब बैठे रहेंगे, कुमारी में रहेंगे, शायद कोई ब्रह्मांड नहीं बनाएंगे। ये चौपाई मैं पढ़ूंगी, मुझे मिली तो। पर रास की कुमारी में वो क्यों नहीं रहे? उन्होंने नया ब्रह्मांड कैसे बना दिया इतनी जल्दी? बड़ी सुंदर, ये धनी होते हैं ना, जब देने पे आते हैं ना, तो एक एक खोलते जाओ, एक एक प्रश्न का उत्तर आता जाता है। क्योंकि मेरे को तो पता भी नहीं है कि कौन से टीका में कौन से खजाने छुपे हुए हैं, जिसने पेटी कभी खोली नहीं उस बेचारी को क्या पता होगा। सुंदर साज जी, आप सब तो इतना डूबे हुए हैं, इतना राज जी पढ़ते हैं, मैंने तो कभी पढ़े भी नहीं, पर अब पता लग रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। बहुत सांसें खो दी हैं सुंदर साज जी, आप ना खोइएगा। जो गलतियां मैंने की हैं वो आप ना कीजिएगा, बहुत मीठी वाणी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बोलते हैं ना, भैंसे से भी वेद मंत्रों का उच्चारण करा सकते हैं कबीर जी, स्वामी जी लिखते हैं, तो फिर वही खुदा मेहरबान, तो आप समझ जाइए, तो गधा पहलवान होता है सुंदर साज जी। वरना ना तो ये चौपाइयां ढूंढनी कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है, बस क्लिक करो और वो सामने आ जाए, तो पता लग जाता है कि धनी चाहते हैं कि पता लगे। हाँ जी सुंदर साज जी, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, कलश हिंदुस्तानी का ही सेम प्रकरण है सुंदर साज जी, और 463 पेज नंबर है, और प्रकरण वही चल रहा है, अवतारों का प्रकरण, और इसमें देखिए ये। हाँ जी, अंग मेरे संग पाई, ये ध्यान दीजिएगा, अंग मेरे संग पाई, मैं दिया तारतम बल, सो बल ले वैराट पसरी, ब्रह्मांड कियो निर्मल। मेरे हृदय में क्या कहते हैं महामती जी? कहते हैं मेरे हृदय में जागृत बुद्धि को जब मेरी सानिध्यता प्राप्त हुई, तो मैंने उसे तारतम की शक्ति दी, उस शक्ति से वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और इसे निर्मल कर दिया। सुंदर साज जी, इसका भावार्थ पढ़िएगा। हाँ जी, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार, इंद्रावती जी को तारतम का अवतार कहा जाता है। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23:56 के इस कथन से सिद्ध है कि श्री इंद्रावती जी को तारतम का अवतार कहा गया है, क्योंकि उनके धाम हृदय में साक्षात अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विद्यमान है, विराजमान है। श्री इंद्रावती जी के हृदय में अक्षरातीत की संपूर्ण निधियां
ज्ञान, बल, प्रेम ये सब लीला कर रही है। तारतम ज्ञान के रूप में अक्षरातीत का हृदय ही ज्ञान रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। सुंदर सार जी, ये पढ़ा आपने? इसको ऐसे नहीं पढ़ना, हमने हल्के में नहीं लेना सुंदर सार जी। तारतम ज्ञान यानी श्री मुखवाणी के रूप में मेरे धनी जी का दिल ही ज्ञान रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। हम धनी के दिल को केवल प्रेम से जोड़ते हैं सुंदर सार जी, ज्ञान के बिना प्रेम और प्रेम के बिना ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। दोनों एक दूसरे का आधार है। धनी जी का हृदय ही ज्ञान रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार तारतम के बल का आशय है अक्षरातीत के हृदय में विद्यमान संपूर्ण सत्य एवं परम सत्य यानी हकीकत तथा मारिफत का भंडार जो अब तक जागृत बुद्धि के पास नहीं था। सुंदर साहब जी, इसमें हाँ जी, शायद मैंने ना इसका वो गलत नोट कर लिया है। पेज नंबर उनमें अक्षर ब्रह्म की खुमारी के बारे में बताया गया था, शायद इसके ऊपर वाली चौपाई में होगा। हाँ जी, ये देखिए इसी में था सुंदर सार जी। कोईक काल, ये देखिए, कोईक काल बुध रास की लई ध्यान में सकल अक्षर ब्रह्म तब भी खुमारी में रहे हैं, अब आए बसी मेरे उधर वृद्ध भई पल पल। कुछ समय तक जागृत बुद्धि अखंड रास के ध्यान में मग्न रही। अखंड रास जब उन्होंने की तो कुछ समय तक जागृत बुद्धि उनके ध्यान में मग्न रही। अब मेरे हृदय में, कौन कहते हैं? महामति जी। मेरे हृदय में विक्रम संवत 1712 जब श्री मुखवाणी उतरनी शुरू हुई मैं विराजमान हो गई, जिसके ज्ञान में धनी के आवेश से पल पल वृद्धि होती रही। यानी ऐसा नहीं है कि तब वो रास के ध्यान में मग्न नहीं रहे। सुंदर साथ जी, आपने देखा होगा सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी, उनके अंदर भी जागृत बुद्धि ये थी, पर वो किसमें मग्न थी? ये कल मैं और आशीष हम आपस में सहूर इसका थोड़ा सा कर रहे थे, तो वो रास में मग्न थी। और सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन कितना सुंदर किया करते थे कि सामने श्री कृष्ण जी का स्वरूप धनी जी प्रस्तुत हो जाया करते थे सुंदर साथ जी, और सारे सुंदर साथ उनका आनंद भी लिया करते थे। तो वो रास में मग्न थी तब जागृत बुद्धि जो उनके अंदर थी, और वो ब्रज और रास का ही वर्णन भी किया करते थे। कितना सुंदर ये सामंजस्य धनी ने बिठाया। और 1712 एग्जैक्टली जब श्री मुखवाणी उतरनी शुरू हुई तो उनकी खुमारी भी उतार दी गई कि अब तुझे इसका संग मिलने वाला है, इस जागृत अक्षर ब्रह्म को इस जागृत बुद्धि का संग मिलने वाला है। तारतम ज्ञान का, जागृत बुद्धि तो है उनके पास, तारतम ज्ञान का संग मिलते ही उनमें पल पल वृद्धि होनी शुरू हो गई। फिर तो वो बाट जो रहे थे कि कब निज बुद्धि मुझे मिलेगी, कब ये मारिफत के भेद मुझे भी खुलेंगे। और जैसे ही खुले, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की सारी वाणी उतरी, तब से तो अक्षर ब्रह्म जागवे को तत्पर है ना, तब से वो जागने के लिए तत्पर है कि रूहो जाग जाओ जल्दी से, क्योंकि मेरे को तो सब मिल चुका है, मैं तो जागने को तत्पर हूं। इतना सुंदर, एक कड़ी से कड़ी जोड़े तो इतना, इतनी प्यारी वो माला बन के तैयार हो जाती है सुंदर साथ जी, मैं आपको बता नहीं सकती इसमें कितना आनंद होता है। हाँ जी, अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, ये चौपाई जो हमने अभी अभी पढ़ी थी ये देखिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, बहुत सुंदर हमारे दुष्यंत भैया ने लिख दिया है। मैं बैठी सहस्र चार, बिल्कुल श्री किरंतन वाणी में बहुत बहुत सुंदर ये आया हुआ है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो ये जो चौपाई हमने अभी अभी पढ़ी मांगा किया राधा बाई का, वो भी सेम प्रकरण में ही आया हुआ है सुंदर साथ जी, आइए वहां पर चलते हैं। ये देखिए, मांगा किया राधा बाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ,
मूल संबंधे एके अंगे विलसत वल्लभ साथ। इसका भावार्थ जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, अर्थ हमने पढ़ा अभी अभी। यद्यपि श्री राधा जी की मंगनी यानी सगाई श्री कृष्ण जी के साथ हो गई थी, किंतु उनका विवाह नहीं हुआ। परम धाम के मूल संबंध से श्यामा जी और अक्षरातीत श्री प्राणनाथ एक ही अंग अंगी यानी स्वरूप हैं। उसी संबंध से वे अपने प्राणेश्वर के साथ आनंदमयी लीला करती हैं। अब भावार्थ पढ़िए, इसमें क्लियर किया हुआ है सुंदर साहब जी। राधा जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा थी तथा श्री कृष्ण जी के अंदर अक्षरातीत श्री राजी का आवेश था। लोक रीति में मंगनी शरीरों की हुई थी, किंतु प्रलय हो जाने, मंगनी प्रलय से पहले हुई थी सुंदर साहब जी। जब प्रलय हो गया, प्रलय हो जाने तथा श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने के कारण ये संभव नहीं हो सका, यानी विवाह संभव नहीं हो सका। अब क्या हुआ उसके बाद सुंदर साहब जी? श्यामा जी और राजी तो एक ही स्वरूप है, इनमें कभी वियोग नहीं हो सकता। यहाँ पे विवाह हो या ना हो, श्यामा जी के अंदर भी राजी विराजमान है। पर अब क्या श्यामा जी के अंदर या राजी के अंदर वो शक्ति है? आइए पढ़ते हैं। ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 11 वर्ष और 52 दिन के पश्चात प्रलय हो गया था, जिसमें युगल स्वरूप ने यहाँ के तनों को छोड़ दिया और योग माया में रास लीला करने के पश्चात परम धाम चले गए। कंस को मारने के लिए जो श्री कृष्ण मथुरा गए, उनमें श्री राजी का आवेश नहीं था। सुंदर साहब जी बताएंगे, जो श्री कृष्ण कंस को मारने मथुरा गए थे, उनमें कौन सी शक्ति थी? सुंदर साहब जी बताएंगे। हाँ जी, अरे वाह, अति सुंदर। हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, उनके अंदर रास बिहारी जी की शक्ति थी। हाँ जी बिल्कुल सही, उनमें राजी का आवेश नहीं, रास बिहारी जी के तन का आवेश था। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे बहुत ही सुंदर। हाँ जी, तो अब हमें एकदम से पता लग जाता है ये दूसरी लीला की बात हो रही है। पहली लीला तो धनी जी ने स्वयं की, दूसरी लीला रास बिहारी जी के आवेश ने। तो कंस को मारने के लिए जो श्री कृष्ण मथुरा गए, उनमें श्री राजी का आवेश नहीं था, उनमें रास बिहारी जी के नूरी तन का, रास बिहारी जी की शक्ति थी। उपरोक्त चौपाई को पढ़कर उन सुंदर साथ को अपनी भूल सुधारनी चाहिए जो श्री मिहिर राज जी को प्राणनाथ मानते हैं और श्री कृष्ण जी को अक्षरातीत मानते हैं। वास्तविकता मिहिरराज मतलब तन का नाम सुंदर साथ जी, कृष्ण जी भी तन का नाम। वास्तविकता ये है कि मिहिरराज जी और श्री कृष्ण जी के तन में एक ही अक्षरातीत श्री राज जी के आवेश स्वरूप ने लीला की थी, जिनको हम प्राणनाथ कहते हैं, जो हमारे अक्षरातीत है, उनके अंदर बैठी हुई शक्ति है जो हमारे प्यारे प्राणनाथ जी हैं। सुंदर साहब जी, ये सारी चौपाइयां आज खोलकर रखी थी और उसके बाद अब हम चलते हैं प्रतिबिंब की जो लीला चल रही थी ना सुंदर साहब जी, वो हम कहां पर पहुंचे थे? अभी 6 महीने की रास हो गई थी। अब सुंदर साहब जी से मैं कुछ कुछ प्रश्न भी पूछूंगी। 7 दिन की लीला उन्होंने की गोपियों के साथ, कल ये क्लियर हो गया था। कुमारिका पता उनको भी कहते हैं सुंदर साहब जी, कुमारी होती है ना, कुमारी, यंग जो कुमारी बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो कुमारिका वर्ड उन्हीं से आया हुआ है, अति सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साहब जी 6 महीने की रास की, 7 दिन तक वेद ऋचाओं और ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताओं के साथ वो क्या करते रहे? उनके साथ लीला करते रहे, क्योंकि उन्होंने भी व्रत किए थे, जो कि ईश्वरी सृष्टि के जीव थे, उन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ ये लीला करने के लिए व्रत किए थे। और वेद ऋचाओं ने रीझ कर, जो उनके उनके सबलिक के स्थूल में जो प्रतिबिंब पड़ा था, उनके भी मन में आया कि हम भी देखें, तो उनकी इच्छा को भी, अक्षरातीत किसी की इच्छा अधूरी नहीं रहने देते। मेरे धनी सर्व गुण संपन्न, किसी की इच्छा
भी अधूरी नहीं रहने देते तो हमारी कैसे रहने देंगे सुंदर साथ जी। तो इन दोनों के साथ उन्होंने पूरी लीला की, 7 दिन इसमें बीत गए। अब कौन आया सुंदर साथ जी? अक्रूर जी आए, कंस ने उन्हें भेजा था, कृष्ण जी और बलराम जी को अपने साथ ले गए। तो 7 दिन कहाँ बीते? उनके गोकुल में। पहले भी वो गोकुल था, आज भी वो गोकुल है, प्रलय के बाद भी सेम टू सेम हूबहू तन खड़े कर दिए, नाम नहीं बदले उनके, तो जगह का नाम कैसे बदल सकते हैं। हाँ जी, 7 दिन दूसरी ही लीला चल रही है, 7 दिन वहां। अब दूसरी ही लीला का पार्ट है जब वो गोकुल के बाद 4 दिन मथुरा पहुंच चुके हैं, पर अभी दूसरी ही लीला, वही शक्तियां अभी भी चल रही हैं, यानी के अभी भी रास बिहारी जी का आवेश उनके अंदर है, अभी भी राधा जी के अंदर उनका आवेश नहीं आया है, उन्हीं के अंदर है। 4 दिन में उन्होंने क्या क्या कार्य किए सुंदर साथ जी? 4 दिन में उन्होंने कंस का वध भी किया। पहले क्या आता है सुंदर साथ जी? कुबल्या पीर नामक हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक नामक पहलवानों को मारा, कंस का वध किया, उग्रसेन जी को, अपने माता पिता, तन के माता पिता देवकी और वसुदेव जी को कारागार से छुड़ाया, अपने नाना उग्रसेन जी को उनका राज्याभिषेक किया, फिर स्वयं राजसी वस्त्र पहने, ग्वालों का भेष, ग्वाले का भेष उन्होंने जब उतारा, राजसी वस्त्र पहने, उसी क्षण, वो क्षण था जब रास बिहारी जी का आवेश उनमें से चला गया। कहाँ गया सुंदर साथी? कहाँ चला गया रास बिहारी? जहां से आए थे वहां चला गया? कहाँ चला गया? परम धाम चला गया, वहां जा सकता है। हाँ जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, राधा जी के अंदर चला गया। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। उनका आवेश 7 दिन और 4 दिन, यानी पूरे 11 days 11 दिन के बाद राधा जी के अंदर उनका आवेश जाकर स्थित हो गया सुंदर साथ जी। अब उसके बाद क्या होता है सुंदर साथ जी? 11 दिन के बाद रास बिहारी जी में शक्तियों का, यानी कि कृष्ण जी के तन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 मिनट भी इधर उधर गया आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, क्योंकि घुमाकर पूछा जाता है। हाँ जी, रास बिहारी जी का, रास बिहारी नहीं, कृष्ण जी का जो तन है उनमें शक्ति बदल गई है 11 दिन के बाद, तभी उनकी तीसरी त्रिधा, थर्ड लीला शुरू होने वाली है। क्या गोपियों, कुमारिकाओं और राधा जी की भी शक्तियां बदल गई हैं? क्योंकि जब उनकी दूसरी लीला शुरू हुई थी तब तो उनमें भी बदल गई थी। जब दूसरी लीला 11 दिन की शुरू हुई थी तो गोपियों में, राधा जी में और कुमारिकाओं में, सब में शक्तियां बदल गई थी। अब तीसरी लीला कृष्ण जी की शुरू होने वाली है, तो क्या राधा जी, गोपिकाएं और कुमारिकाएं, क्या इनमें भी शक्तियां बदल गई हैं? हाँ जी, तो कौन सुंदर साथ? अरे वाह रूबी, वेरी गुड, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नहीं, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं बदली है, क्योंकि इन्हीं, मतलब ये शक्तियां उनके अंदर थी, इसीलिए उन्होंने 100 साल तक विरह किया था और इंतजार करती रही थी कि वो कृष्ण जी उनसे आकर मिले। आर यू श्योर जो 3 मैंने बोले हैं उनमें नहीं बदली है? नहीं, बाद में, क्योंकि राधिका जी के अंदर खाली आवेश आ गया है उनका, रास बिहारी जी का, यही सुनना था। हाँ बिल्कुल सही, राधा जी में थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ है, उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, रास बिहारी जी का आवेश उनको मिल गया। अति सुंदर रूबी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो गोपियां और कुमारिकाएं एग्जैक्टली सेम टू सेम, यानी वेद ऋचाओं की सुरताएं और कुमारिका सखिया में, ईश, बोलिए सुंदर साथ जी, ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताएं, है ना, यानी जीव सुरता रूप में। ईश्वरी सृष्टि नहीं बोलना अब हमने, क्योंकि अब हम गहरे पानी पैठ, क्योंकि गहरे में हम उतर चुके हैं, अब हमें पता है ईश्वरी सृष्टि की सुरता नहीं है। कहाँ है सुंदर साथ जी बताएंगे? यदि उनको याद है तो बताएंगे कि ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं कहाँ है इस टाइम? वो तो आई भी नहीं, वो कहाँ चली गई अचानक से?
हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो ईश्वरी सृष्टि की श्रुता है वो अक्षर के सत स्वरूप के अंदर है, वो वहां पर ही है। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। वो अपने धाम तब तक विराज रही है जैसे ब्रह्म सृष्टियां या नहीं है, वो भी अपने धाम में विराजित हैं। ईश्वरी सृष्टि यानी सुरता, ईश्वरी सृष्टि जब भी कहा जाएगा तो सुरता रूप में ही उनको लिया जाएगा सुंदर साहब जी, वो भी सत स्वरूप में, अति सुंदर। तो जितना मर्जी घुमा के पूछ लो सुंदर साहब जी, घूम घुमा के सुंदर साहब वहां पहले पहुंचे होते हैं, प्रश्नकर्ता से पहले उत्तरकर्ता वहां पहुंचे होते हैं। अति सुंदर प्रणाम जी। आप कहने की शुरुआत करो उससे पहले तो रेस एंड हो जा रहा है सबका। बिल्कुल सही बात है, मुझे ऐसा लगता है अनिल भाई, मैं तो वीडियो देख नहीं पा रही हूँ, मैं अगली तैयारी कर रही हूँ सहयोगिता को बनाने की। सुंदर साथ वीडियो देख देख के अब मेरे प्रश्नों के उत्तर दिया करेंगे उल्टा जो मुझे नहीं आते होंगे। अति सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब आगे क्या होता है, 7 दिन और 4 दिन यानी 11 दिन की लीला हो चुकी है, अब तीसरी लीला उनकी शुरू होने वाली है। अब तीसरी लीला में जैसे ही वो राजसी वस्त्र धारण करते हैं तो क्या होता है, उनमें से रास बिहारी की शक्ति निकल के राधा जी में चली जाती है और राधा जी को पता ही नहीं, जैसे श्यामा जी के अंदर आवेश स्थित हुआ उनको पता ही नहीं मेरे अंदर राज जी आ चुके हैं। देवचंद्र जी के अंदर जन्म से ही धनी जी का आवेश है पर उनको पता ही नहीं कि मेरे अंदर मेरे पिया का आवेश है। देवचंद्र जी ने तन छोड़ा, मेहराज ठाकुर जी के अंदर इंद्रावती जी की आत्म में धनी जी का आवेश प्रवेश हो चुका है, तब नहीं प्रवेश हुआ जन्म से क्या। हाँ जी सुंदर साहब जी बताइएगा जरा, कई बार ऐसी बातें आती हैं जो सोची नहीं होती पर आ जाती हैं क्योंकि धनी लाना चाहते हैं। क्या मेहराज ठाकुर जी में आवेश तब प्रविष्ट होता है जब धनी देवचंद्र जी तन छोड़ देते हैं या फिर उसके पहले जन्म से ही उनके अंदर आवेश होता है, सोचिए। हाँ जी डीपी सिंह जी। प्रणाम जी देवेंद्र भैया। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी, सूक्ष्म रूप से हर आत्मा के अंदर वो आवेश है, बस आवेश की लीला तब शुरू होती है जब देवचंद्र जी अपना तन छोड़ देते हैं। क्या मेरे अंदर धनी का आवेश नहीं है? सूक्ष्म रूप से हमने पढ़ी थी ये चौपाई, हर आत्म के अंदर पिया जी का आवेश है पर लीला प्रत्यक्ष लीला एक तन से होती है और जब देवचंद्र जी अपना तन छोड़ देते हैं तो वो प्रत्यक्ष लीला मेहराज ठाकुर जी के तन से इंद्रावती जी के आत्म के तन से शुरू हो जाती है पर एकदम से शुरू नहीं होती, लिटिल गैप इज देयर, बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, फ्यू इयर्स 3 इयर्स का गैप आ जाता है। जब वो जाते हैं अप्सा में जाते हैं तब तक भी उनको पता नहीं है, हालांकि आवेश की लीला भी शुरू हो चुकी है सुंदर साहब जी, उनको पता नहीं है। देखिए कैसे इसमें स्वामी जी लिखते हैं अपने टीका में कि पुराने किरंतन उतरे हैं उसी दौरान, उन 3 सालों के दौरान पुराने किरंतन उतरे हैं, उनमें छाप किसकी है, मेहरराज जी, उनमें श्री मामती जी नहीं लिखा गया, उनमें मिहिर राज का नाम लिखा गया है, उनको पता ही नहीं कि मेरे अंदर ये बोल कौन रहा है सुंदर साहब जी। तो जब जब वो विरहा करते हैं जीव को, विरहा के बिना सुंदर साहब जी नहीं पाया जा सकता, उस लीला को पहचाना नहीं जा सकता, तो तब जब वो विरहा करते हैं तब प्रत्यक्ष सामने आकर दर्शन देते हैं, आने से पहले लीला शुरू कर देते हैं पर तब दर्शन देते हैं धनी जी आकर और तब उनको साक्षात पता लगता है कि मेरे अंदर से अब आवेश की लीला होने वाली है। तो कितनी सुंदर ये लीला है सुंदर साहब जी। तो मैं बताना क्या चाह रही थी कि रास बिहारी जी का आवेश राधा जी के अंदर आ गया पर उनको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर वो स्वयं विरह में तड़प रही है, वो 100 साल तक विरह में तड़प रही है क्योंकि उनके अंदर कौन है, वेद ऋचाएं, उनको पता ही नहीं मेरे अंदर स्वामी, मेरे ही स्वामी रास बिहारी का आवेश, क्योंकि योग माया के ही है वो,
और बड़ा सुंदर स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में पिरोकर भी इसको लिखा है कि वेद ऋचाएं और ईश्वरी सृष्टि के जीव जो है उनकी सुरताएं रास बिहारी जी के आवेश में तड़प सकती हैं, क्योंकि वो एक ही स्थान से आए हैं। तो ये एक यस इट मेक सेंस कि वो उनके विरह में तड़पे। कितने साल तक सुंदर साथ जी, कल हमने किया था 11 साल 52 दिन प्लस 11 दिन, तो 11 साल 53 दिन को राउंड ऑफ करके उन्होंने 12 साल कह दिया। 112 वर्ष की उम्र कही जाती है जरूर, पर क्या पता उसमें भी कुछ महीने कुछ दिन हो, तो हम राउंड ऑफ करके इसको बोलेंगे। तो विरहा किया, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। वेद ऋचा, मैंने गोपियां नहीं बोला, ध्यान से सुनिएगा। वेद ऋचाओं ने कितने दिन कितने समय तक, मुंह से निकल गया, कितने समय तक लीला की और कितना वियोग सहन किया, कितने समय की लीला कितने समय का वियोग वेद ऋचाओं ने सहन किया। हाँ जी, गोपियां नहीं बोला सुंदर साहब जी, गोपियां बहुत वास्ट हो जाता है, उनमें शक्तियों का समावेश डिफरेंट हो जाता है। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 100 साल तक। हाँ जी, 100 साल का विरह और लीला कितने दिन? लीला उसकी 4 दिन की है। सोचिए 4 दिन तो कंस के साथ लीला कर रहा है वो जाके किससे किसके साथ, बाकी क्या बचा फिर? 7 दिन गोकुल के और 4 दिन। हाँ जी, गोकुल में क्या कर रहे थे वो? गोकुल में 7 दिन तक राज्य के साथ। हाँ जी, वो उन्होंने सहयोगिता निभा दी है रूबी जी ने, उनको मैं खोलूंगी नहीं अभी। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। 7 दिन तो वेद ऋचाओं ने लीला की और 100 दिन का विरह। अरे वाह, बहुत सुंदर जयश्री बेन। 7 दिन जो गोकुल में थे ना, वो वेद ऋचाओं के साथ लीला ही कर रहे थे, है ना? हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो 7 दिन तक लीला की और 100 वर्षों का वियोग वेद ऋचाओं को उन्होंने विरहा उनका किया, है ना? अब मुझे ये बताइएगा, बड़े ध्यान से सोच के बताइएगा, क्योंकि इसके अंदर और भी कुछ हो सकता है। ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने, ध्यान से सुनिएगा, ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने कितने समय तक लीला की और कितना वियोग सहन किया। मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूं। हाँ जी, हाँ जी, आप फिर से कीजिएगा। ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने कितने समय तक लीला की और कितने, ऐसे क्वेश्चन सहयोगिता के लिए मैं नहीं बनाऊंगी, आप चिंता नहीं करो। हाँ जी, इजी वाले बनेंगे उसके लिए। हाँ जी, मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर सर जी, प्रेम प्रणाम जी। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, 11 साल तक लीला की थी उन्होंने जीवों ने उनके साथ, और 52 दिन का वियोग सहा था यहाँ पे। बाकी तो योग माया का तो वहां पे तो उनकी सुरता ही गई थी ना। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अगर इसको जीवों की सुरता भी ऐड कर दिया जाए सुंदर साथ जी, अगर मैं कहूं ईश्वरी सृष्टि, अब और बताइएगा। हाँ जी, गलती से मैंने कुछ और कर दिया, एक मिनट सुंदर साथ जी, मीटिंग लॉक कर दी। कैसे कर दी? हाँ जी, लोअर हैंड करने थे और मीटिंग लॉक हो गई थी, आ नहीं पाते सुंदर साथ, हो गई थी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, ईश्वरी सृष्टि की चाहे जीव हो चाहे सुरता हो चाहे जीवों की सुरता हो, ईश्वरी सृष्टि जहां भी शब्द आया वो बताइए कि कितनी लीला की और कितना वियोग किया। इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा, वेदर ईश्वरी सृष्टि और देर जीवाज और देर सोल्स, चाहे सुरता चाहे जीव चाहे जीवों की सुरता, कितनी लीला कितना वियोग, कैलकुलेट। हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, बहुत सुंदर। हाँ जी, अंजू जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
उन्होंने 11 साल और 7 दिन की लीला थी और वियोग 100 वर्ष और फिर वो 52 दिन का भी वियोग था। अरे वाह क्या बात है, अति सुंदर, अति 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 सुंदर, कितनी अति लगाओ इसमें। 11 वर्ष की लीला की पहले किसने की अंजू जी? ईश्वरी सृष्टि के जीव प्लस सुरता उसने ही थी ना। हाँ जी, फिर जब लीला की 7 दिन की तो किसने की? कुमारी का सखियों के रूप में की। हाँ जी, तो कौन था कुमार? उनमें उनमें जीव थे। हाँ, जीवों की सुरता है ना, सुरता रूप में जो आए थे, राइट, जो वहां से अखंड से आए हैं आप, आए थे है ना, जीवों की सुरता। तो ये कितनी कितनी हुई, 11 साल और 7 दिन। हाँ, 7 दिन बिल्कुल सही। और वियोग कितना सहा? पहले 52 दिन का उसमें भी ये थे और फिर 100 वर्ष का उसमें भी। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा उत्तर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, क्या बात है। मैं वही सोच रही थी, मैंने तो कैलकुलेट किया नहीं अभी तक, प्रश्न तो पूछ लिया, पर सुंदर साथ देखिए कहाँ कहाँ कैसे पहुंच रहे हैं, अति सुंदर। इसी के साथ जयकारा लगाते हैं और कल सुंदर साहब जी समय पे जुड़िएगा, क्योंकि कल हम विष्णु जी का, आज मैं शुरू करने वाली थी पर मुझे लगा बीच में नहीं रोकेंगे, डिस्टर्ब होगा। कल हम विष्णु जी का डिटेल में करने वाले हैं, उसकी उसमें प्रश्न भी आएंगे आई नो, पर हम लोग टीका से एक एक शब्द चौपाई का पढ़ के करेंगे। सो प्लीज टाइम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 5 मिनट का मिस यानी के आगे की कोई बात फिर समझ में नहीं आएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कुछ भी भूल हो गई हो सुंदर साथ जी, चरण रज समझ के कृपा करके माफ कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।